सभी भाई बहनों का स्वागत है महाकौशल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तो आज हम लोग तीन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, एमपी टेट वर्ग तीन पर, एमपी हाईकोर्ट की भर्ती पर और एमपी पुलिस की भर्ती पर। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं आप लोग, सर क्या हुआ एमपी टेट की सुनवाई थी 7 जुलाई को, कुछ पता ही नहीं चला 8 जुलाई को, है ना। तो मैं उन सबको बताया था मैसेज पे कि देखो अभी वो जो सुनवाई थी उसका नंबर नहीं लग पाया, बहुत सारे केस थे उस दिन, तो उसके लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं और उसकी सुनवाई 15 जुलाई निश्चित की गई है, इमरजेंसी सुनवाई उसमें रखा गया है। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं एमपी हाई कोर्ट की वैकेंसी से। आपको पता है 1200 वैकेंसी आई थी, एग्जाम भी हो चुका था, लेकिन अभी जो डिक्टेशन होना था, ठीक है, वो मेन एग्जाम अभी बाकी था। तो इन्होंने जो रिजल्ट दिया था उसमें क्या है, जनरल का कट ऑफ लगभग 79 के आसपास था, ओबीसी का कट ऑफ 82 लगभग चला गया था, 81-82। तो इसमें ओबीसी वाले जो हैं ये सवाल किए कि भाई हमारा कट ऑफ हाई, जनरल का कम, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ओबीसी का बंदा कोई ज़्यादा नंबर लाता तो वो जनरल की सीट में काउंट होगा, ओबीसी की काउंट में, ओबीसी की सीट में तो काउंट हो ही नहीं सकता, ये होता है ना रिजर्वेशन में जनरल सीट पे। इस तरीके से देखा गया हाई कोर्ट में कि ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा चला गया, जनरल का कम हो गया, इन्होंने याचिका लगा दी। तो वहाँ पे हाई कोर्ट में ही जो है फैसला दिया गया कि आप जो भी आरक्षण प्रोसेस लागू करें वो प्रत्येक स्टेज पे करना पड़ेगा, आपका प्री हो, आपका मेंस हो, चाहे आपका इंटरव्यू जैसा भी हो, हर स्टेज पे होना चाहिए, ठीक है। पर इन्होंने कहा कि नहीं, हम फर्स्ट में ये आरक्षण लागू नहीं करते, हम सेकंड मेंस पेपर में करते हैं, तो ये गलत है। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आप प्री में भी कर रहे हो, मेंस में भी कीजिए, इंटरव्यू में कीजिए, जो भी कर रहे हैं आप तीनों स्टेज में कीजिए। इस कारण 10 दिन के अंदर रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश किया है, एमपी हाई कोर्ट की भर्ती का रिवाइज रिजल्ट आएगा, ये फैसला हमारा हुआ है, ठीक है। तो ये उनके पक्ष में फैसला आया जिन्होंने इस पर याचिका लगाई थी, ओबीसी कैंडिडेट, ठीक। दूसरी चीज़ पर देखो यार, जो जनरल में सेलेक्ट हो गया था बेचारा, रिवाइज रिजल्ट होगा फिर वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या है यार, ये नाइंसाफी ना, ये नाइंसाफी किसकी गलती, इस सरकार की गलती है, ये रूल्स बनाने वालों की गलती है। बेचारा सिलेक्ट हो गया, अभी तक मेंस की तैयारी कर रहा था, रिवाइज रिजल्ट आएगा बाहर हो जाएगा, उसकी मेहनत बेकार गई ना, वो कितना बेचारा उत्साह से था कि मेरा एमपी हाई कोर्ट में हो गया है, बस मुझे मेंस निकालना और जॉब लगनी है मेरे को, तो ये अन्याय हो रहा बच्चों के साथ। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि वाकई में जनरल का कट ऑफ कम ओबीसी का क्यों गया, मैं जनरल ओबीसी से मतलब नहीं है मुझे, मुझे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट मेरे मित्र तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा, हर भर्ती हाई कोर्ट जा रही है, तो रूल्स क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग ढंग से, आप लोगों की गलती के कारण बच्चे पीछे जा रहे हैं, तीन तीन चार चार 55 साल से हो गए तैयारी करते जा रहे हैं और मिल कुछ भी नहीं रहा है। तो ये विटंबना हो गई अब एमपी के अंदर, मुझे लगता पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ अगर अत्याचार अनाचार हो रहा तो वो एमपी में ही हो रहा है, इसके अलावा किसी राज्य में इतना ज़्यादा बेरोजगारी और इतना ज़्यादा, मतलब हमारी मुख्यमंत्री साहब तो बोलने के लिए तैयार नहीं है, बुलडोजर चलवा रहे हैं, कहाँ गए हैं आप, एमपी पीबी के ऊपर चलाइए ना, आप पीबी के ऊपर जो बुलडोजर चलाइए, आप किसी के घर, किसी की मड़िया पे क्यों बुलडोजर चला रहे, किसी गरीब पर आप पीबी पर चलाइए ना, कितने बेरोजगार लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं पीबी, 10-10 लाख देकर पूरी एमपी टेट परीक्षा पद्धति पर उन्होंने संदेह के दायरे में जो है डाल दिया है, 10 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया उसने, उस पर बुलडोजर चलाइए। जरा सी हिंसा घटना हुई बेचारे के ऊपर आप जो है, मतलब जो दोषी नहीं है उस गैंग में रहा तो उसमें भी आपने बुलडोजर चला दिया, ठीक है आपने दोषी के ऊपर बुलडोजर चलाया दोषी के घर में, ठीक है, पर एक बंदा ऐसा था जो कोई समूह में नहीं था अभी गुना वाली घटना में, गुना या फिर ऐसा कुछ मुझे याद है, वहाँ पर एक निर्दोष व्यक्ति के घर को जो है ढहा दिया गया बुलडोजर चला करके, तो ये गलत है ना। तो ये तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं भाई, पीबी को बंद होना चाहिए किसी भी हालत में, या तो पीबी के सारे कर्मचारी बिल्कुल चेंजेस होने चाहिए, शासन प्रशासन बहुत अच्छे सटीक तरीके सेंसिटिव तरीके से इस पर आकर के काम करे, विभाग मंत्री मिनिस्टर इस पर दबाव डालिए डालें कि आप बहुत अच्छे से काम कीजिए पारदर्शिता के साथ, तभी होगा। लेकिन क्यों करेंगे यार, ये सब लिप्त है ना, मंत्री मिश्र सारे लोग इसमें संलिप्त हैं, सब तक जाती घूस, समझ रहे हो ना, आप जो रिश्वत देते हैं ना वो सब वहाँ तक जाता है मिनिस्ट्री तक, इसलिए वो भी शांत है, वरना वो लोग सवाल नहीं करते, अब तक 2-4 की गिरफ्तारी कर सकते थे लेकिन नहीं किए, क्योंकि तो सारी मंत्री मिनिस्टर को पैसा जा रहा है भाई, 10 लाख आया तो 5 लाख उधर तो 5 लाख उधर। दूसरी चीज़ एमपी पुलिस वालों ने लगाया, एमपी पुलिस वालों का भी रिजल्ट रिवाइज होगा, क्यों, क्योंकि ये इसमें भी आरक्षण प्रोसेस जो है ना गलत दिया गया है,
पचहत्तर छिहत्तर नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 65 वालों का सिलेक्शन हो गया है। तो ये भी जो है ना, इतनी विषमता नंबरों में, दो चार नंबर चलता है, अब दस दस नंबर का फासला में इतना ज़्यादा जो है आपने रिजल्ट बनाया है आरक्षण देकर के, फासला जो है बच्चों का 65 नंबर 75 नंबर, जनरल की लड़कियाँ 75 नंबर ला करके सिलेक्ट नहीं हो पाई, सोचिए आप। तो इसका भी रिजल्ट रिवाइज होगा क्योंकि इसकी भी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। और तीसरा सवाल है एम पी टेट वालों का। हाँ, एक चीज़ और है, एम पी टेट की तो पूरी संभावना है 95 से 99% के बीच की निरस्त होगा एग्जाम, इसलिए क्योंकि घोटाला बड़े स्तर पर हुआ है। अब कुछ मेरे भाई बहन हैं जो अधिक नंबर ले आए, वो कहते हैं सर कि एग्ज़ाम निरस्त ना हो, भर्ती हो जाए, ठीक है। मतलब वो बंदे ऐसे चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, भाड़ में जाए दूसरों का, बस मुझे जॉब मिल जाए, मेरी ज्वाइनिंग हो जाए, बस उसको ये दिख रहा है, उसको दूसरों से मतलब नहीं है, बस मेरी ज्वाइनिंग हो जाए, हो गया। भाई अपने बारे में जैसा आप सोच रहे वैसे दूसरों के बारे में सोचो, कि जो मेहनत करके एवरेज नंबर लाया उस बच्चे का सिलेक्शन होता, लेकिन अगर इन घोटालों बाजों ने घोटाला ना किया होता तो, लेकिन इनके कारण बेचारा अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इसने भी तो मेहनत की, इसने भी तो पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ एम पी टेट में अपना पूरा जो है अपना समर्पण किया, बेचारी की जॉब लगनी चाहिए ना। जब पूरी भर्ती ही संदेह के घेरे में है, घोटाला हुआ है और बहुत बड़े रूप में हुआ है, निश्चित है कि आपके अंदर काबिलियत है, आप मेहनती हैं, आप ईमानदार हैं, दोबारा एग्जाम दे करके आप बहुत अच्छे नंबर, तो जांच पड़ताल होने दीजिएगा, जो होगा हाईकोर्ट का आदेश आएगा वही मान्य होगा, पेपर में फर्जीवाड़ा हुआ है, निरस्त होना चाहिए, जिससे दोबारा एग्जाम दे करके अच्छे नंबर आप लोग ला करके सेलेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो ये जल्दी ही 15 जुलाई के आसपास जो है, 15 जुलाई को हालांकि हाईकोर्ट का वो डिसीजन आना है। आप खुद सोचिए यार, अगर पीईबी अपनी जगह सच होता, सत्य होता, तो बताओ 3 महीने बीत गए, क्या वो रिजल्ट नहीं दे सकता? डंके की चोट में रिजल्ट देता, क्यों? क्योंकि मैं सच हूँ, कोई घोटाला नहीं हुआ है, वो फर्जी अफवाह है, जो पेपर वायरल हुआ था ऐसा कुछ भी नहीं, वो पेपर तो मैच ही नहीं हुआ मैंने पेपर से, फर्जीवाड़ा कैसे होगा भाई? रिजल्ट दे सकता था, लेकिन पेपर तो 100% मैच हुआ है, वो कैसे रिजल्ट देगा बताओ आप, कैसे रिजल्ट देगा? और आप चाहते हो भर्ती हो जाए, मैं 120 लाया हूँ 110 लाया हूँ तो सर मेरी भर्ती हो जाए, है ना, मेहनत किया हूँ। भाई आप बस मेहनत नहीं किए हो, पूरे 10 लाख कैंडिडेट मेहनत किए हैं, समझ रहे हैं ना, ये बात। और दूसरी बात, कुछ लोग कहना सर बीएड को बाहर क्यों किया जा रहा है? देखो भाई, बीएड को अंदर रखा जाए, बाहर किया जाए, इस विषय में मैं फैसला सुन सकता ना, आप सुन सकते, सीधी सी बात है, बहुत चर्चित मुद्दा है। राजस्थान जिस प्रकार से बीएड को लेवल फर्स्ट बाहर किया गया है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, उसी चीज़ को तर्क देखते हुए एमपी टेट के कैंडिडेट डीएड वाले भी हाईकोर्ट में जो है याचिका लगाए थे, और एमपी हाईकोर्ट ने भी इस पूरी वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया को जो है हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा फाइनल वाला, कि जो एनसीटी ने जो अपना आदेश जो दिया था किस प्रकार से बीएड वालों को जो है शामिल किया जाएगा प्राइमरी एजुकेशन में, लेकिन उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया जाना चाहिए, पर इसके बारे में कोई डिटेल उन्होंने एनसीटी ने बताया नहीं कि किस प्रकार 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या किस प्रकार से एग्जाम दिया जाएगा। तो इस चीज़ को ठीक है मान संवैधानिक मानते हुए चुनौती दी गई थी, क्योंकि ये प्राथमिक बच्चों का जो उनके अधिकारों का हनन माना गया कि